जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th में और टॉपिक है आपका कंजर्वेशन और मोमेंटम एप्लीकेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन का एप्लीकेशन की बात करें तो आपको पता है मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। ये आपका कंजर्वेशन मोमेंटम की बात है, तो जितना मोमेंटम इनिशियल होता है उतना ही मोमेंटम फाइनल होता है, इसकी बात ठीक है। चैप्टर का नाम पता ही ऑलरेडी क्या है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लास 11 फिजिक्स में कैसे काम करेगा। एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी है ए वन और दूसरी बॉडी है मेरे पास टू वन। बॉडी नंबर जी मेरे पास दूसरी बॉडी दो बॉडी ठीक है ना। अब क्या है कंजर्वेशन मोमेंट की बात करते हैं तो इनका कोलिजन टक्कर होगी तो इनको कंजर्वेशन निकालना पड़ेगा। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि कोलिजन ऑफ टू बॉडी, दो बॉडी का कोलिजन की बात कर रहे हैं ठीक है ना। कोलिजन सी ओ डबल एल आई एस आई कोलिजन ऑफ टू बॉडी, दो बॉडी ऑफ कोलिजन और एक्विजन क्या है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहली बॉडी वन है और दूसरी बॉडी टू है। चलो भाई कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम लिख लेते हैं। तो पहला क्या लिखेंगे, लेट इनिशियल इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम ऑफ बॉडी वन, कब की बात कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन कितना है भैया, कितना निकल के आ रहा है, मैं मान लेता हूं पी वन। फिर क्या करेंगे, टी से कोलिजन पहली बॉडी का, अब क्या लिखना है फाइनल कोलिजन, फाइनल मोमेंटम मोमेंटम ऑफ बॉडी वन कब, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कितना हो गया, मैं मान लेता हूं पी वन डैश ठीक है ना। यानी कि पहले क्या हमने माना कि कोई फर्स्ट बॉडी है उसका फर्स्ट बॉडी का कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना है पी वन और कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना है पहली बॉडी का वो है पी वन डैश। इसी तरह जो की बॉडी कौन सी थी, फर्स्ट बॉडी दिख रहा है ना बॉडी वन दिख रहे हैं, बॉडी वन यहाँ पर भी बॉडी वन। अब बॉडी टू की बात कर रहे हैं तो अब लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम ऑफ बॉडी टू इक्वल टू पी टू मान लिया ठीक है ना। और इनकी कब ये कौन सी वाली है बात करी आ रही है, कोलिजन से पहले टक्कर से पहले की बात है, कितनी पी टू कोलिजन, पी टू कोलिजन से पहले क्या मोमेंटम पी टू। और यदि हम बात करें फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी टू इक्वल टू कितना होगा पी टू डेस। ये चार चीजें हमने मान ली, ये कौन सी है बिफोर कोलिजन, ये आपकी आफ्टर कोलिजन, ये कौन सी होगी फिर बिफोर कोलिजन और ये कौन सी है आफ्टर कोलिजन। जब इतनी चीजें हम बता आप इनका कंजर्वेशन प्रूव करना, तो अब आपको पढ़ना है न्यूटन का कौन सा लॉ, सेकंड लॉ। तो हम जानते हैं बाय सेकंड लॉ ऑफ किसका, न्यूटन का ठीक है ना। तो बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन या फिर इसको लिखते हैं बाय न्यूटन सेकंड, बाय न्यूटन
न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स के सेकंड लॉ के हिसाब से आप पढ़ चुके हैं उसका फॉर्मूला आपने भेजना एम इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। वेरी गुड, यही पढ़ा हमने। और इसको नेम से मॉडल फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये आप पढ़ चुके हो वर्ड न्यूटन का सेकंड लॉ, एम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, अपने पढ़ चुके होता है। अब हम न्यूटन का लगाते हैं लॉ फर्स्ट बॉडी का, तो क्या करते हैं फॉर फर्स्ट बॉडी के लिए एफ कितना हो जाएगा मेरा, देखो फर्स्ट बॉडी के लिए एफ कितना हो जाएगा, F12 इक्वल टू क्या होगा, F12 का होगा चेंज इन मोमेंटम यानी कि मोमेंटम माइनस पहली बॉडी का मोमेंटम होता है P1 डैश माइनस P अपॉन डेल्टा टी, डन। और जब बात करें फॉर सेकंड बॉडी, फॉर सेकंड बॉडी सेकेंड बॉडी कितना जाएगा, F21 इक्वल टू कितना जाएगा सेकेंड बॉडी का देखो मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है P2 डैश, तो कितना होगा P2 डैश माइनस P2 अपॉन डेल्टा टी। देखो भाई मोमेंटम में निकाल लिया पहली बॉडी का मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम अपॉन डी, एफ निकाल दिया, एफ कितना होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टाइम, चेंज इन मोमेंटम कितना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी टाइम। इसी तरह दूसरी बॉडी का निकाला फाइनल मोमेंटम, देखो बता फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ये हमारे पास क्या निकला है फोर्स निकला है। यदि हम यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगाते हैं, क्योंकि जब आप पता कितना लॉ है F12 इक्वल टू माइनस F21, तो आप लिख सकते हैं वाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ कहते हैं आप जान चुके हो F12 इक्वल टू माइनस F21। वेक्टर फॉर्म की बात करें देखिए कि वेक्टर के फॉर्म में ही वेक्टर फॉर्म में नहीं दिए, ठीक है चलो चलिए, क्योंकि मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है। देखो भाई F12 की वैल्यू मैं यहाँ से रखूँगा, F21 की वैल्यू यहाँ से रखूँगा, फिर दो कंक्लूड होकर क्या निकल जाता है देखना भाई, F12 की वैल्यू P1 डैश माइनस P अपॉन डेल्टा टू इक्वल टू P2 डैश माइनस P2 अपॉन डेल्टा टू, कैसे F12 की P1 डैश माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह P1 क्यों किया, क्योंकि देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है P1 ही तो है, तो P1 और फाइनल मोमेंटम P1 डैश। इसी तरह P2 डैश फाइनल मोमेंटम सेकंड बॉडी का और इनिशियल कितना है P2, ठीक है वैल्यू पुट किया हमने, कुछ करता है सरहा करता है नकार दिया। अब इसको सही लिखा है मैंने नहीं लिखा है, मुझे माइनस और लगाना चाहिए था यहाँ, देखो अब सही लिखा है क्योंकि ये माइनस साइन तो होगा अपने पास, ठीक है P2 डैश माइनस P2 अपॉन डेल्टा टी। थोड़ा सॉल्व करें P1 डैश माइनस P1 इक्वल टू माइनस P2 डैश प्लस P2, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ और इस वैल्यू को मैं इधर ले जा रहा हूँ, कैसे होगा P1 डैश प्लस P2 डैश इक्वल टू P1 प्लस P2। ये क्या चीज़ है, ये देखिए क्या है P1 डैश और P2 डैश क्या है फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी 2, यानी क्या दिख रहा है टोटल फाइनल मोमेंटम, ये क्या दिख रहा है टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम ये तो प्रूव करना है ना, कन्वर्स ऑफ मोमेंटम तो कितना है टोटल फाइनल मोमेंटम, और ये कितना है ये आपके पास है टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, और एक प्रूव करना था क्या करना था
मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम क्वांटम, यानी क्या कह सकते हैं, यानी कि यही तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला था और एक्वेशन हो गया। किसी बॉडी का फायर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इनिशियल इक्वल के होता है। क्यों, कैसे पता लगा, तो जो फायर मोमेंटम था जैसा इनिशियल मोमेंटम था, हमने न्यूटन का पहले सेकंड लॉ लगा के हमने मोमेंटम निकाल दिया, और हमने क्या किया न्यूटन का फार्मूला लगा के इक्वल कर दिया, एक बराबर कर दिया। और इस हिसाब से हमें क्या निकला, हमें मोमेंटम पता लग गया कि किसी बॉडी के ऊपर इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, न्यूटन फायर मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है ना, आई थिंक इतना समझ में आ जाएगा मोमेंटम आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय बच्चों।